आगे बढ़ते हैं। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर है, उत्तराखंड के तमाम स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये उत्तराखंड में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया, यानी कि 30 जून तक अब स्कूल बंद रहेंगे। राहुल मिश्रा जी मीडिया संवाददाता देहरादून से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, विस्तार से बताएं क्या कहा गया आदेश में। देखिए, आदेश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, और कोरोना का संक्रमण की यदि कहा जाए तो दूसरी लहर है, उस दूसरी लहर को देखते हुए ही यहाँ पर आदेश दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश, जिसे समर वैकेशन कहा जाए, तो समर वैकेशन कर दिया गया है। 30 जून तक सभी जो शासकीय और अशासकीय, जो मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी में यहाँ पर आदेश दिया गया है कि इनमें ग्रीष्मकालीन अवकाश यहाँ पर रहेगा। उसमें साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स के पास एक स्वच्छता दी गई है कि यदि वो ऑनलाइन क्लासेस कराना चाहते हैं तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर करा सकते हैं। लहर जिस तरीके से देखा जाए तो संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखें तो कल बीते जो 24 घंटे का आंकड़ा है, खुद यदि देखें या खुद हम देहरादून जैसे शहर की यदि हम बात करें, तो देहरादून में तकरीबन 4000 के पास में आंकड़ा पहुंचा। पूरे प्रदेश में 10000 के करीब में आंकड़े पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। ये सीधे तौर पे सरकार के लिए भी चिंता का विषय था, और यही कारण से स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि आने वाला समय में यह ग्रीष्मकालीन अवकाश किया जाता है स्कूलों में, और सभी स्कूलों को 30 जून तक यहाँ पर बंद करने की बात यहाँ की गई है। जी, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल मिश्रा जी मीडिया संवाददाता देहरादून से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे